के अंदर रोहन जी ट्रायल करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि झारखंड में जो रोपनी होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे रोप रहे हैं। अगर आप बिहार जा रहे हैं तो बिहार में बहुत सारे जेंट्स ही रोपनी करते हैं, बट यहाँ पे सारे लेडीज हैं, जेंट्स तो दिख नहीं रहा है कोई। देखिए कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है आपको। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फाइनली हम लोग घुटुआ पार करके घुटुआ 2 नंबर गेट से सीधे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको मंदिर मिलेगा, देख सकते हैं ये मंदिर। और उसके बाद मंदिर के बगल से जो रास्ता जा रहा है ये, इधर से आप सीधे जाइए तो मसमोना जो जगह है वो मसमोना, ये रास्ता सीधे जाती है, तो चलते हैं। तो जो रास्ता मैंने आपको दिखाया वो रास्ता आगे बंद था, तो हमें ये रास्ता लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि, और रोहन जी वेट कर रहे हैं हम लोग का। तो ये जो राइड का जो श्रेय जाता है वो रोहन पे जाता है, क्योंकि रोहन का एक फ्रेंड है जो मसमोना में रहता है, तो हम लोग मसमोना जा रहे हैं। और आप लोग बहुत देर से ब्लॉग देख रहे हैं, बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है तो मैं बताता हूँ कि ये एक मसमोना नाम की जगह है, जो टनल है वहाँ पे, और बड़का काना टू रांची एक टनल बना हुआ है, वो टनल के अंदर से ही होके जाएगी। तो ये सब जो पहाड़ देख रहे हैं आप, वो पहाड़ काट के टनल बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज भुरकुंडा राइडर। कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि लंबा ना हो और आप लोगों को मज़ा आए देखने में। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है ये बस पहाड़ के बगल में ही आ गए हैं, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी लंबी चढ़ाई दिख रही है। ये मैं गाड़ी 3 नंबर में चला रहा हूँ, तो ये 3 नंबर लाइक है नहीं, और जबकि मैं पूरा अच्छा स्पीड, और ये तो काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिर से 3 नंबर लगाए हैं और आपको देखते हैं कि कब क्लच चेंज करना पड़ेगा। देखिए, और ये मैं 1 नंबर में लगा दिया और ये दूसरा नंबर में भी गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो इसलिए 1 नंबर लगा के बस चल दिए हैं। और यहाँ काम भी हो रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और ये रोड तो बना दिया गया है बहुत ही मज़ेदार। ओ माय गॉड, काफ़ी मज़ेदार जगह है रियली में। रोहन आई लव यू, अच्छी जगह घुमाने के लिए। तो हमें टनल जाना है, तो टनल के लिए इधर से जाना होगा।
फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। ये टनल नंबर 1 है और उधर उधर आप देख सकते हैं टनल नंबर 2 भी है, तो वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। तो यहाँ पहुँचे हैं और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। और ये देखिए मिनी झरना, मिनी झरना। और ये झरना जो पहाड़ का जो पानी है वही आके यहाँ जमा हुआ है। और आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो है वो टनल के उस पार जा रही है, ये इमेज। ओ माय गॉड, गड्ढा तो यहाँ काफी है। आप देख सकते हैं कि कितना मजा आया होगा पार करने में। और आपको यहाँ पूरा नजारा दिखाते हैं। ये पहाड़ जो है इसके बीच से काट के टनल बनाया गया है और आप देख सकते हैं इसे आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। फाइनली देख सकते हैं कि हम लोग टनल के अंदर हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं इसका नज़ारा, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है और डर भी लग रहा है। देखिए कितना मज़ेदार नज़ारा है, थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। देखते हैं कि अंदर रोहन जी ट्रायल करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो रियली में आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं बाइक से अंदर, थोड़ा आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कैसे देखने में लगता है। तो रोहन जी बाइक चला रहे हैं और इस टनल में चमगादड़ बहुत है, तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। भूल के भी अकेले मत आइएगा, नहीं तो ये आपको मैन से बैटमैन में चेंज कर देगा। नज़ारा हमारा झारखंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडा हवा लग रहा है, ऐसा कि बारिश का मौसम है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो हवा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे, आराम से रहे, लाइट भी लगी हुई है और काम भी हो रही है। तो आगे आपको दिखाते हैं, दो दो गाड़ी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, बस यहीं तो उतर के चलते हैं। और ये टनल के बीच से जो रास्ता निकला है वहाँ पे जा रहे हैं और बाहर चल के आपको दिखाते हैं कुछ जो देखने में मज़ा आए, कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये घुटुआ का जो नज़ारा है, काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। और पता नहीं ये बीच बीच में कौन सी गांव है, मुझे तो पता है नहीं, बट काफ़ी मज़ेदार लग रहा है देखने में। अगर आप यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए तो जरूर आए, काफी मजा मिलेगा आपको देखने में। तो फाइनली देखा, बहुत हम लोग मस्ती किए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
अगर रास्ता में कुछ मिलता है तो दिखाएंगे, वो पार्ट 2 में आएगा, वरना वीडियो यहीं क्लोज। तब तक के लिए बाय बाय।